तो की हाल चाल पिकाचू ऑडियंस, कैसे हो आप? रमजान का सबसे पावन और पवित्र महीना चालू है तो इसमें ज्यादा गालियां नहीं देंगे। और जितने लोग बोलेंगे भाई तेरे नाम से तो तू हिंदू लगता है, तूने ये टोपी कैसे पहन ली? ब्रो अपन ऐसे कंट्री में रहते हैं इंडिया, जहाँ पे अपने को कई सारे धर्म के बारे में जानने को मिलता है। और वैसे भी ऐसा कहते हैं कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, उसमें से एक देवी देवता को एक्स्ट्रा से मान लिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गीता में भी लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य यदात्मान्यं सुजान्यहम्। और कलमा जो कि इस्लाम स्वीकार करने के पहले जो बोलना पड़ता है, पहला कलमा ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कि इस्लाम में लिखा है, इन दोनों का मीनिंग अगर आप अच्छे से ढूंढे तो इसका मतलब यही होता है देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन फेथ जिस पे अपन विश्वास कर सकते हैं। So let's begin. भाइयों आज अपन बात करने वाले हैं लोन रेंजर के करियर के बारे में। नहीं, आपको नहीं पता लोन रेंजर, थैंक गॉड आपको नहीं पता, धन्यवाद, जाके सर्च भी मत करना, काफी टट्टी कंटेंट क्रिएटर है। आज हम बात करने वाले चायल गेमिंग के बारे में। इसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे और ये अपने फैंस को डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग बोलती है, भलाई वो ठरकी ऑडियंस हो या ना हो। मैं जितने भी बातें बोलता हूँ ये मेरा ओपिनियन है, दिल पे ना ले, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और उसमें सबसे अच्छा हमारे लिए हक दिया है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं पता जाके गूगल कर लो। तो जैसे कि आपको पता है इंडिया में कई सारे स्ट्रीमर्स है, कोई स्ट्रीमर्स मोबाइल गेम खेलते हैं तो कोई पीसी गेम्स, बट कुछ स्ट्रीमर काफी ज्यादा ओवररेटेड है क्योंकि वो अपना खूबसूरती का फायदा उठाते हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बॉडी शेम कर रहा हूँ कि किस प्रकार के वो कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार का वो मेकअप करते हैं, आई डोंट केयर विद देयर ड्रेसिंग सेंस और मेकअप स्टाइल, बट मुझे नफरत उन बात से है कि अगर आपकी ऑडियंस जिसको आप फैंस बोलते हो वो सभी ठरकी है। अब ठरकी आप, अब मैं ठरकी बोल दूंगा तो ठरकी को तो बुरा लगेगा ना। वैसे सोमराज भाई ठरकी का मीनिंग बता दो इनको। तुम लोग ठरकी बोलेंगे तो तुम लोग अच्छा लगेगा, तो ठरकी को ठरकी तो नहीं ना बोल सकते, अब ठरकी को थोड़ा और रिस्पेक्ट से बात कर सकते, सिंपिंग, एक सिंप हो गया। हाँ तो सो कॉल्ड सिंप ऑडियंस जो कि आपकी सब्सक्राइबर्स है क्योंकि वो आप अच्छे दिखते हो इसलिए वो आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, या दिस इज द रीजन। क्योंकि अगर मैं इन बड़े बड़े स्ट्रीमर्स के कमेंट सेक्शन में जाऊँ या लाइव चैट देखूँ तो इसमें चायल मुझे आई लव यू बोलो, चायल क्या आप मुझसे शादी करोगी, क्या आप सिंगल हो, क्या आपका बॉयफ्रेंड है, इस प्रकार के कमेंट्स ही हमको दिखते हैं। और नहीं ऐसे प्रकार के कमेंट्स तो ज्यादा से ज्यादा आपको दिखेंगे दीदी रॉयल पास दे दो। सो इससे आप जज कर सकते हो इनके ऑडियंस का लेवल। तो अगर आपकी ठरकी और सिंप ऑडियंस है तो आप एक्सेप्ट करो कि आपकी ठरकी और सिंप ऑडियंस है। मैंने एक बार तन्मय भट्ट का और चायल गेमिंग का इंटरव्यू देखा था जिसमें चायल दीदी ने कहा था कि मैं दिन रात स्ट्रीम करती हूँ, वो मेहनत किसी ने नहीं देखी। स्टार्टिंग में जब मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया था तो मैंने कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे वो किसी ने नहीं देखा। तो मैंने ऐसे कई सारे स्ट्रीमर्स भी देखे जो इससे ज्यादा स्ट्रीम करते और इससे पहले से स्ट्रीम करते थे। एक स्ट्रीमर है SG Cyanide, स्काईलाइट गेमिंग का एक साइनाइड नाम का बंदा है।
जितना मेरा YouTube में जितना सर्फ करता हूँ, जितना मैं YouTube देखता हूँ, ही वॉज इन टॉप रैंकिंग BGMI स्क्वाड में. ही इज क्लासिक प्लेयर, कम्पिटेटिव कभी कभार खेलता है, आई थिंक स्क्रीम्स खेलता है कभी कभार. बट उसका जो YouTube पे स्ट्रीमिंग की कंसिस्टेंसी, और ही यूज टू डू लाइक वो 10 टू 12 आवर स्ट्रीम करता है डेली, और वो पिछले 6 महीने से कंटिन्यू 12 घंटे स्ट्रीम कर रहा है. उसके 90,000 सब्सक्राइबर्स है. कैन यू इमेजिन दैट? उसके 90,000 सब्सक्राइबर है और वो फेस कैम नहीं करते. ये लोग अगर बोल रहे हैं कि हमारी ऑडियंस काफी स्ट्रॉन्ग एंड फैन फॉलोइंग ऑडियंस है, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, अपना फेस कैम ऑफ करो और BGMI के अलावा कोई और गेम खेलो. अगर इनकी वॉचिंग 2000, एवरेज वॉचिंग तो इनकी इतनी रहती है, लाइक 4-5 हज़ार रहती है, बट इनकी एवरेज वॉचिंग अगर 1000 के ऊपर विदाउट व्यू बॉट, 1000 के ऊपर भी इनकी वॉचिंग जाती है तो अच्छी बात है. उनके फैंस काफी डेडिकेटेड है उनके लिए, बट मैक्सिमम फैंस आर टर्कीज. और इनकी ऑडियंस में एक बात कॉमन है, ये अपने सो कॉल्ड स्ट्रीमर्स को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट तो नहीं बोल सकते, बट काफी ज्यादा मानते हैं. इसके लिए मैंने एक स्किट बनाया, वो देखिए. बोलो पायल माता की जय. इंटरनेशनल ट्रॉफी जब तक हम सिल्वर भाई के कंधे चरण, क्या बोलते उसको, जब तक हम सिल्वर भाई के आचरण में है, ढोल हाउस में है, तब तक सब्सक्राइबर्स और व्यूज तो आना चलता ही रहेगा. बोलो पायल माता की, बोलो साचे BGMI दरबार की जय. नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय. ऐसे कई सारे स्ट्रीमर्स भी हैं इंडिया में, जैसे कि जाया, मियो 16 के कैस्पर, अंकिता सी, पिंक्सेस, कई सारे पीसी गेमर्स हैं जिनको इतना फेम नहीं मिलता है. दे डोंट शो देयर लाइक बॉडी को ऐसे एकदम एक्सपोज करके बताना. आई एम नॉट कि मैं ऐसे बॉडी शेमिंग या कपड़े ड्रेसिंग स्टेंस पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ कि इनका टर्की ऑडियंस है एंड दे आर डेड इन अपकमिंग 2 to 3 years, राइट? लाइक अभी चायल गेमिंग के और इतने सारे, अब समझो आप वो वाले स्ट्रीमर्स हैं जिनके फ्यूचर डार्क मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है. अब आप बोल नहीं सकते तूने पायल गेमिंग को कैसे बोल दिया, तू होता ब्रो, इट्स माय ओपिनियन. सो ये लोग ना अपने अपने खूबसूरती को ज्यादा ही ऐसे पोर्ट्रे करते हैं बार-बार, यू नो देयर मेन फोकस इज दैट टर्की ऑडियंस, एंड टर्की ऑडियंस ही उनको सुपर चैट एंड देन व्यूज एंड देन YouTube इनकम एंड ऑल दैट स्टफ going on. So if you are a good viewer, तुमको quality content देखना है, तो अगर आपको variety games देखने, तो आप जाया को देख सकते हो, XYAA. She is verified on Instagram. मतलब verify होना मुश्किल है, मतलब अब वो अलग बात है कि पेड आर्टिकल कैसे चलते हैं ढोल हाउस. हाँ पता है सिद्धू भाई, आपको वेरीफाई होना है, प्लीज गूगल पे आर्टिकल डालना बंद करे, पेड आर्टिकल्स. वैसे तक भाई माइंडेड दो आप, आई लव यू मैन. और जितने भी पीसी गेमर्स हैं इनकी ऑडियंस काफी ज्यादा डेडिकेटेड है इन लोगों को लेके, जैसे मियो 16 के की ऑडियंस काफी लाइक they are called fans, उनको फैन बोला जाता है. और ये जो ऑडियंस है टर्की ऑडियंस है, अभी बच्चे हैं, ओह माय गॉड हमारी दीदी स्ट्रीम कर रही है, वाह 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 वाह, जी 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 जी, हेडशॉट मारा, फ्यूचर में डेड है, क्योंकि ये ऑडियंस बड़ी होंगी, मैच्योरिटी आएगी, फिर जाके उनको समझेगा, फिर आप क्या करोगे. मैंने एक चीज नोटिस की है, इनका ड्रेसिंग सेंस, लाइक आई सेड यू, दिस इज ऑल स्ट्रेटजी हाउ टू अट्रैक्ट सिंप ऑडियंस और टर्की ऑडियंस. कैस्पर और मियो 16 के ये भी स्ट्रीम्स करते हैं वैलोरेंट की, लाइक प्रोफेशनल वैलोरेंट प्लेयर्स है ये लोग, बट ये लोग ना स्ट्रीमर्स के साथ साथ ना स्ट्रीम करते ही है, गेम्स भी खेलते हैं, बट दे नेवर शो की ऐसे मेकअप लगा के वेबकैम के सामने आके टर्की ऑडियंस को टारगेट करके, नो, ड्रेस को ऐसे बड़ा चढ़ा के यू नो वो वाली ऑडियंस ग्रैब करना, नो. सो आई एम नॉट टेलिंग कि ये गलत बात है, यू नो उनका स्ट्रेटजी अलग है ग्रो होने का, मेरा स्ट्रेटजी अलग है, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, उनका ओपिनियन अलग हो सकता है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट यू हैव टर्की ऑडियंस. आई डोंट नो, यू हैव टू फकिंग एक्सेप्ट. देर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रीमर रे जो काफी घिस रहे, और पता नहीं यार इनका क्या एनालिटिक्स कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कॉज दे डोंट फोकस ऑन टर्की ऑडियंस, राइट? सो यू हैव टू एक्सेप्ट यू हैव टर्की ऑडियंस एंड चायल दीदी, यू आर डेड इन अपकमिंग 2 years, रिमेंबर दैट, ओके? मतलब डेड मतलब ऐसा डेड नहीं कि वह जो 0 views, बट वही टेक्निकल गुरु जी जैसा 20 million सब्सक्राइबर्स एंड 200K व्यूज पर वीडियो. मैंने सिल्वर भाई पे वीडियो बनाई थी, एक इंसान को रिप्लाई करना चाहिए, उनका रिप्लाई अगर आपने यूट्यूब पे जाके नहीं देखा तो देखो, कोई हाईलाइट चैनल ने अपलोड किया होगा, उनके नाम
नाम मुझे नाम नहीं पता था उनका। एक मैंने जब थोड़ा फेस रीड थोड़ा बहुत आता है, मैंने जब उनका फेस रीड किया, जैसे उन्होंने रिप्लाई दिया कि करने दो, अच्छा बंदा है, अच्छा कंटेंट लिखता है, कुछ दिन बाद वो ग्रो करेगा एंड उसका भी उसके चैनल पे हमारा कंटेंट होगा, लाइक द वे ही रिप्लाइड, दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी। एंड सेकंड थिंग, मैंने उनका नाम सर्च किया, उनका नाम है लोकेश जैन। सो फ्रॉम जैन मेरे को एक चीज याद आई, लाइक अचानक हिट हुआ, व्हाई ही सो पेशेंस, व्हाई सो काम, व्हाई सो लाइक। मेरे मुंह पे उन्होंने बिना बोले तमाचा मारा है, कान के नीचे बिना बोले रैपट मारी है। मेरे को उनको देख के एक ही चीज याद में आई, नमो अरियंता, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो उज्जैनम, नमो ऐसो सावणम, ऐसो कुंच मुकारो सो पापनाशनम, मंगलानज्य सेव सपड़े मंगलम। आई डोंट नो कितने लोगों को समझेगा नहीं समझेगा, जैन पीपल कैन रिलेट, बट या सिल्वर गोल्डी भाई का जो रिप्लाई था, लाइक मैं इनके बारे में अब फ्यूचर में ना वीडियो बना सकता हूँ ना बोल सकता हूँ। हाँ मैं वो ऑर्क को बोल सकता हूँ, ऑर्क के कुछ बंदों को बोल सकता हूँ, बट जो एक इंसान को रिप्लाई देना चाहिए ना, एक मैच्योर इंसान, ऐसा नहीं कि चोको ऐप पे जाके इसकी माँ का इसकी आओ, ये रोस्ट है। अबे जॉर्डन के भटूरे, सिद्धू जाके चाटो, सिल्वर भाई है वहाँ उनकी चाटो, बट द वे यू रिप्लाइड मैन आई लव यू। एंड मेरी एक फ्रेंड है, उसने बोला कि ये भैया कितने गोलू मोलू और कितने क्यूट वे से रिप्लाई दिया है, सब सिल्वर भाई डिजर्व सब। हाँ मैं बायस नहीं हुआ हूँ लोंडो, चिल मारो, तुम्हारा भाई बायस नहीं हुआ है। अपने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का, जिसको यूट्यूब स्टूडियो का एनालिटिक्स ऐसा रीड करता है वो बंदा, 16 बिट रियल नाम लू की नहीं बहन, जो डर लगता है भाई, दो स्ट्राइक है चैनल पे 16 बिट हक भाई। देखो इफ यू आर इन ऑर्ग, वो अभी तुमको चाइल्ड गेमिंग जितने भी क्रिएटर से तुमको व्यूज आ रहा है इसलिए तुम ऑर्ग में हो, तुमको व्यूज नहीं आता तुमको ऑर्ग से 2 मिनट में लात मार के निकालेगा। अग्रवाल ही इज मारवाड़ी, वो आज की नहीं सोचता, एज अ मारवाड़ी मैं भी खुद मारवाड़ी हूँ, वो आज की नहीं सोचता आगे की 5-6 सालों बाद की सोचता है ना, मेरे को पता है ये मारवाड़ियों का दिमाग ऐसे ही काम करता है। ब्रो अगर तेरे को व्यूज नहीं आ रहा है ना, जो भी उस ऑर्ग में क्रिएटर हो, तेरे को लात मारने को शर्माएगा नहीं। सो इनका चैनल फ्यूचर में डेड है और वो एनालिटिक्स सबके रीड करता है। अगर वो इतने सारे क्रिएटर्स को एक साथ में मैनेज कर रहा है ना, तो उसको सब आइडिया कौन कब व्यू ला सकता है, कब कौन व्यूज नहीं ला सकता, कब कौन सा स्पॉन्सर लाना है, कब कौन सी डील लाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ पता है भाइयों आज रामनवमी है, आपके लिए एक मैं टास्क दे रहा हूँ, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई, ये जाके आप इसका मीनिंग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर, डू व्हाट एवर यू वांट, माय लवली फ्रेंड्स, मुंबई करने के लिए माँ की बूम, टेक केयर भाइयों, और कैन वेट 10K likes, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज 10,000 likes कर देना, सब्सक्राइबर 10,000 subscriber हो सके तो उतना भी कर देना प्लीज, 10,000 subscriber, मतलब अपने को अभी 3,000 subscriber और चाहिए 10,000 के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन। This is called gamers. तू जो मिले तो मिली जिंदगी।